नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आपको पता है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन पर इतना जोर क्यों दे रही है? इसके ऊपर पीएम मोदी ने निजीकरण पर आयोजित वेबिनार में बताया कि निजीकरण क्यों जरूरी है। उन्होंने वेबिनार में यह समझाने की कोशिश की कि निजीकरण क्यों जरूरी हो गया है और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से सरकार को और देश को क्या नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं पीएम मोदी के इस वेबिनार की कुछ खास बातें। पीएम मोदी ने कहा कि जब पब्लिक सेक्टर की शुरुआत की गई थी तब इसकी जरूरत थी और आज जरूरत है निजीकरण करने की। लोगों के पैसों का सही इस्तेमाल करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो लगातार नुकसान में चल रहे हैं। ऐसे में सरकार को अक्सर एंटरप्राइज की मदद करनी पड़ती है और इसमें केवल पैसा ही खर्च होता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने वेबिनार में यह भी बताया किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को सिर्फ इसलिए नहीं चलाना चाहिए कि वह कई सालों से चला आ रहा है या फिर उससे कई लोगों का पेट पल रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरप्राइजेज की मालिक सरकार बनी रहे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने से सरकार का ध्यान कल्याणकारी योजनाओं से हटता है और साथ ही सरकार का पैसा और साधन भी लगता है। उन्होंने कहा कि एक टैलेंटेड सरकारी अधिकारी को किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डाल देना उसके टैलेंट के साथ अन्याय करना है और उस एंटरप्राइज के साथ भी अन्याय है और साथ ही देश की आम जनता के साथ भी अन्याय है। इसके अलावा वेबिनार में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि निजीकरण से भी बहुत सारे रोजगार के मौके जनता को मिलते हैं। पीएम ने कहा सरकार को बिजनेस करने से कई नुकसान होते हैं और उनकी भरपाई के बारे में भी उन्हें सोचना पड़ता है। वह बोले कि सरकारें यह सोचती आई है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, आने वाली सरकार इससे निपट लेगी और ये हमेशा से ही चलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब इससे बाहर निकालना होगा क्योंकि जब निजीकरण बढ़ता है तो आधुनिकता बढ़ती है, बिजनेस का विस्तार होता है, बेहतर प्रबंध बनता है और इन सब के चलते देश में रोजगार के नए मौके भी आते हैं। आपका प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।